अच्छा हुआ जो ये श्राप टूट गया, वरना सारी उम्र अपने ही पत्ते गिनने में निकल जाती। लेकिन ये श्राप खत्म कैसे हुआ? समझ में नहीं आया कि एक ही पल में हम सब श्राप से ग्रसित हो गए और दूसरे ही पल सब सही हो गए। आखिर हमें श्राप से मुक्ति दिलाई किसने? गंगा जल की शक्ति ने। गंगा स्नान से सब पाप भी धोते हैं और श्राप भी। लेकिन हम लोग तो गंगा तक गए ही नहीं। हाँ, हम गंगा तक नहीं गए, हमें श्राप से मुक्ति दिलाने गंगा माँ हम तक आई है। ये सब महादेव की कृपा है। तुम्हारे विश्वास की जीत है, तुम्हारे प्यार की जीत है कि आज हम सब एक साथ हैं। नहीं भैया, ये तुम्हारी और माँ की सालों की भक्ति की जीत है। अब हमारा परिवार सारे श्राप से मुक्त है। अब हम पर ना कोई खतरा है ना कोई बुरी नजर। मुझे नहीं लगता हम खतरे से ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे। हमने मक्षिका परी के पास मुन्ना की शक्तियां इसलिए रखी थी ताकि हम मुन्ना को बुरी शक्तियों से बचा सके, पर मुझे नहीं लगता हम मोहना नाम की बुरी शक्ति को मुन्ना से और ज्यादा दूर रख पाएंगे। तुम क्या बोलना चाह रही हो पिया? यही कि मोहना और मुन्ना का मिलना भाग्य में लिखा है और उसे कोई नहीं बदल सकता। पिया, तुम हमें डरा रही हो। क्या इसका मतलब ये है कि भाभी डायन यहाँ वापस आने वाली है? हाँ, क्योंकि हम हर बार मोहना को हरा देते हैं और वो हर बार और शक्तिशाली बनकर वापस आ जाती है। हर बार हम उसे मौत के मुंह तक भेज देते हैं और हर बार वो मौत के मुंह से बचकर वापस आ जाती है। हर बार हमें लगता है कि वो हमारी जिंदगी से चली गई है, लेकिन हर बार वो हमारी जिंदगी में वापस आ जाती है। लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं खुद उन्हें मौत के दरवाजे तक पहुंचाऊंगा। तुम ये अकेले नहीं कर पाओगे अंश, उसके लिए तुम्हें मेरी शक्तियों की भी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे पास तो तुम्हारी शक्तियां है ही नहीं अभी। हाँ पिया, अंश को तो उसकी शक्तियां मोहना के खून से वापस मिल गई, लेकिन तुम्हें तुम्हारी देवक शक्तियां कैसे वापस मिलेंगी? एक तरीका है। मॉम ने लिखा था कि इस शिवलिंग की पूजा वही कर सकता है जो खुद को महादेव का सच्चा भक्त सिद्ध कर दे। लेकिन हम कैसे खुद को महादेव का सच्चा भक्त प्रूव कर पाएंगे? अरे सुनो, हम एक दो बार कावर लेके गए हैं और दो चार हमको भजन भी आता है, अगर हम वो गा देंगे तो कंचा भक्त प्रूव हो जाएंगे। शट अप नमन। अब आप ही बताइए हम क्या करें। आई एम श्योर कि यहीं पर कुछ ऐसा होगा जिसकी मदद से हम एक सच्चा भक्त सिद्ध हो सकते हैं। हे भगवान, एक और सांप। ये कोई मामूली नाग नहीं है, ये नीलकेश नाग है, इस जगह के संरक्षक। नाग जी सॉरी। वो क्या है? ये तो नीलकेश नाग का जहर है, दुनिया का सबसे तेज जहर। लेकिन ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे? दिव्या ने लिखा था ना कि महादेव ने अपने कंठ में विष धारण किया था, तो एक सच्चे भक्त को विश्वास धारण करना होगा। अगर हमें महादेव पर विश्वास है तो हमें इस विष को पीना होगा। शक्ति चक्र है, इससे शायद मेरी शक्तियां वापस आ जाएंगी। मां ने मुझे इसके बारे में बताया था। बताया
इसका क्या मतलब है पिया? तुम्हें तुम्हारी दैविक शक्तियां कभी वापस नहीं मिलेंगी। हमें कुछ भी करके पिया की दैविक शक्तियों को वापस लाना ही होगा। लेकिन कैसे? हमने खुद देखा कि शक्ति चक्र पूरा होने ही वाला था। पिया को उसकी शक्तियां वापस मिलने ही वाली थी कि भोलेनाथ के सर ने कलश गिरा दिया और पिया को उसकी शक्तियां मिलते मिलते रह गई। मुझे तो खुद ये समझ में नहीं आ रहा है कि भोलेनाथ ऐसा क्यों करेंगे। क्योंकि भोलेनाथ ही नहीं चाहते कि मुझे मेरी दैविक शक्तियां वापस मिले। लेकिन लेकिन भोलेनाथ जी ऐसा क्यों चाहेंगे पिया, जबकि खुद देवी माँ का आशीर्वाद तुम पर है। उन्होंने ही तुम्हें अपनी शक्तियां देकर एक दैविक बनाया है ना, तो वो सारी शक्तियां तो तुम्हारी हुई ना, तो वो क्यों चाहेंगे कि वो शक्तियां तुम्हें वापस ना मिले। बात सिर्फ मेरी शक्तियों की नहीं है, मुन्ना की शक्तियों की भी है। अगर मेरी शक्तियां वापस आ जाएंगी तो हो सकता है मुन्ना की भी शक्तियां वापस आ जाएंगी, और मुन्ना की शक्तियों के साथ साथ पूरी ताकतों के साए भी आ जाएंगे, और वो भी आ जाएगी जिसे हम नहीं आने देना चाहते, मोहना। मोहना और उसकी बुरी नजर हमारे परिवार पर पड़ जाएगी। उसकी बुरी नजर हम पर फिर पड़ गई। मेरे बच्चा भाभी डैड वापस आ गई। तुम भागो यहां से मोहना, मैं इसे देखती हूं। कौन से पाप किए हमने जो इस टाइम से पीछा नहीं छूटता, हर बार चली आती है। हम इसे रोके तो कैसे रोके। मैं इस कहानी को आज ही खत्म कर दूंगा। तुम्हें मोहना से नहीं लड़ना चाहिए। पिया ये तुम क्या कह रही हो? सॉरी मां, सबको मेरी कसम है, मैं जो करने जा रही हूं वो करने से कोई मुझे नहीं रोकेगा। वादा करो अंश, तुम मेरा साथ दोगे। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तो फिर मेरी कसम खाओ कि किसी को मेरे रास्ते में नहीं आने दूंगी। सॉरी मां। पिया 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 पिया।